नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र शुक्ला, आप देख रहे हैं डिजिटल एडवाइस। रात के 9 बज चुके हैं और समय हो गया है CCC ऑनलाइन टेस्ट का, तो ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ जाइए। जो लोग जुड़ चुके हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, साथ ही साथ जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको CCC से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगी, एग्जामिनेशन डेट, एडमिट कार्ड, रिजल्ट, सर्टिफिकेट, जो भी अपडेट आएगा वो अपडेट आपको मिलता रहेगा। साथ ही साथ डिजिटल एडवाइस बहुत ही जल्द कुछ लेटेस्ट कोर्सेज लॉन्च करने वाला है, तो उन कोर्सेज की भी जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये सारे ही क्वेश्चंस आ चुके हैं और आने की क्या है, मार्च में संभावना है, और तैयारी में अभी से क्या हो जाइए, जुट जाइए। मार्च की तैयारी अभी से है जारी, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, अच्छे ग्रेड के साथ पास होना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ईमेल में इनकंप्लीट मेल कहां सेव होते हैं? ए ऑप्शन ड्राफ्ट, बी ऑप्शन इनबॉक्स, सी ऑप्शन सेंट, डी ऑप्शन ट्रैश। बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। 5 सेकेंड है, आप कमेंट या चैट में राइट आंसर दे सकते हैं। गुड, चैट में राइट आंसर आना भी स्टार्ट हो गया है। जी हां बिल्कुल, जो इसका राइट आंसर होगा वो आपका होगा ड्राफ्ट। जब भी कोई मेल हम क्रिएट कर रहे होते हैं, मतलब कंपोज कर रहे होते हैं, और उस मेल को हम क्या करते हैं, क्रिएट करने के बाद सेंड नहीं करते हैं, तो ऑटोमेटिकली कहां पर सेव हो जाता है, ड्राफ्ट में सेव हो जाता है। और ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड। कैलसी में अंतिम सेल का एड्रेस होता है? ए ऑप्शन BMJ 10,48,576, बी ऑप्शन AMJ 10,48,576, सी ऑप्शन है CMJ 10,48,576, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। और ये क्वेश्चन आपका अक्टूबर और नवंबर में भी क्या हो चुका है, आ चुका है। बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। 5 सेकेंड्स हैं, आप कमेंट या चैट में राइट आंसर बता सकते हैं। और एक आपके लिए क्या है, इंफॉर्मेशन है, क्लास का टाइम थोड़ा चेंज होगा। जो आपका ये ऑनलाइन टेस्ट होता है, ये 9 बजे की बजाय कल से रात 8 बजे होगा, ठीक है। रात 8 बजे CCC ऑनलाइन टेस्ट मार्च के लिए क्या होगा, होगा, ठीक है। 3 टेस्ट हो चुके हैं जो 9 बजे होते थे, लेकिन अब कितने बजे से होंगे, 8 बजे। और आपकी करंट अफेयर्स की क्लास सुबह 8 बजे होगी, आपकी करंट अफेयर्स की क्लास सुबह 8 बजे क्या होगी, होगी, क्लियर है। तो जी हां बिल्कुल, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा AMJ 10,48,576। याद रखिएगा कैसे होता है, जरा समझिएगा। जो नंबर ऑफ रोज होती हैं कैलसी में, वो 10,48,576 होती हैं, और नंबर ऑफ कॉलम्स जो होते हैं 1024 होते हैं, और लास्ट कॉलम का जो नाम होता है वो AMJ होता है, क्लियर है। तो क्या हो गया, लास्ट कॉलम का नेम और लास्ट रो का संख्या, ठीक है। तो वो क्या होगा, अंतिम सेल का एड्रेस। तो क्या हो जाएगा, AMJ 10,48,576, इसका बी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। याद कर लेना, फिर से आ सकता है मार्च में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। निम्नलिखित में कौन सा चिन्ह कैलसी में कॉनकैटिनेट चिन्ह की तरह काम करता है? ए ऑप्शन इक्वल टू, बी ऑप्शन एंड, सी ऑप्शन एट द रेट, डी ऑप्शन हैज। बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। 5 सेकेंड्स हैं, और ये क्वेश्चन तो पिछले 3 बार पूछा जा चुका है 4 महीने में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉनकैटिनेट सिंबल की तरह कौन सा यूज होता है? कुछ लोगों ने राइट आंसर देना भी स्टार्ट कर दिया है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल तैयारियों में जुट जाइए, अच्छे मार्क्स के साथ क्या होना है, पास होना है। और इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या होगा, इक्वल टू नहीं होगा भाई, समझिएगा, एंड होगा, ठीक है। कॉनकैटिनेट सिंबल की तरह कैलसी में कौन यूज होता है, एंड सिंबल यूज होता है। साथ ही साथ एक पॉइंट ये भी याद रखना, इक्वल टू का साइन हर फॉर्मूला और फंक्शन से पहले यूज होता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया, ध्यान रखना, कैलसी हो या आपका एक्सेल हो, कोई भी हो, ठीक है, वहां पर फॉर्मूला या फंक्शन से पहले कौन सा चिन्ह लगता है, तो ध्यान रखना इक्वल टू, और कॉनकैटिनेट सिंबल की तरह कौन यूज होता है, एंड का सिंबल यूज होता है। ये क्वेश्चन भी क्या रखिएगा, याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर। कॉलम में लास्ट रो में जाने की शॉर्टकट की क्या होती है? ए ऑप्शन कंट्रोल प्लस एंड, बी ऑप्शन कंट्रोल प्लस डाउन एरो,
सी ऑप्शन कंट्रोल प्लस एल, डी ऑप्शन कंट्रोल प्लस ई। बताइएगा राइट आंसर क्या होगा, 5 सेकंड्स है। गुड, चैट में राइट आंसर आना भी स्टार्ट हो गया है, कुछ लोग कंफ्यूज्ड हैं थोड़ा सा, चलिए कोई बात नहीं। बिल्कुल जो इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा राइट आंसर, बिल्कुल बी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। कुछ लोगों ने दे दिया है और मैक्सिमम लोगों ने गलत ही दिया है, कंट्रोल प्लस डाउन एरो होगा ना कि कंट्रोल प्लस इंड। ध्यान रखना, कंट्रोल प्लस इंड आपको वहां पर पहुंचाएगा जहां पर आप लास्ट टाइम गए थे, ठीक है। मान लीजिए मैं 100 रो पर गया था, ठीक है, या 100 रो 10 पे, रो पे गया था, मान लो 110 रो पे क्या गया था, गया था, क्लिक किया था, ठीक है। तो जब मैं कहीं पे भी ऊपर हूं, मान लो मैं 21 रो पे हूं और मैं कंट्रोल प्लस इंड दबाऊंगा तो मैं 110 रो पे पहुंचूंगा ना कि लास्ट रो पर। लेकिन यदि मैं कंट्रोल के साथ डाउन एरो प्रेस करूंगा तो मैं लास्ट रो पे पहुंच जाऊंगा, मतलब 10,48,576 वाली रो पर क्या हो जाऊंगा, पहुंच जाऊंगा। तो बिल्कुल ध्यान रखना, कंट्रोल प्लस डाउन एरो किस लिए यूज होती है, लास्ट रो में पहुंचने के लिए यूज होती है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये शॉर्टकट की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, कैलसी में लास्ट कॉलम में जाने की शॉर्टकट की क्या होती है, ए ऑप्शन कंट्रोल प्लस इंड, बी ऑप्शन कंट्रोल प्लस राइट एरो, सी ऑप्शन कंट्रोल प्लस आई, डी ऑप्शन कंट्रोल प्लस ई। बताइएगा राइट आंसर क्या होगा, 5 सेकंड्स हैं। गुड, चैट में राइट आंसर आना भी शुरू हो गया है और बिल्कुल प्रिपरेशन में जुट जाइए, ज्यादा दिन बचे नहीं है, ज्यादा से ज्यादा प्रिपरेशन करिए और ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए जिससे आप अच्छे ग्रेड के साथ पेपर क्या कर सकें, क्लियर कर सकें। तो जी हां, बिल्कुल इसका जो राइट आंसर होगा इसका बी होगा, ये भी ध्यान रखना, यहां पे भी कंट्रोल इंड प्रेस नहीं करेंगे, कंट्रोल प्लस राइट एरो प्रेस करेंगे तो लास्ट कॉलम में पहुंच जाएंगे। ध्यान रखना, कंट्रोल प्लस डाउन एरो प्रेस करेंगे तो लास्ट रो में पहुंच जाएंगे, जबकि कंट्रोल प्लस राइट एरो प्रेस करेंगे तो फिर कहां पे पहुंच जाएंगे, लास्ट कॉलम में पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो डाउन एरो मतलब लास्ट रो, राइट एरो मतलब लास्ट कॉलम, दोनों ही शॉर्टकट की, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में कौन सा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है, ए ऑप्शन डिस्क डिफ्रेगमेंट्स, बी ऑप्शन एमएस ऑफिस, सी ऑप्शन विंडोज, डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। 5 सेकंड्स हैं, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। गुड, चैट में राइट आंसर आना भी स्टार्ट हो गया है, बहुत बढ़िया। जी हां, बिल्कुल इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या होगा, ए ऑप्शन राइट होगा। काफी लोगों ने चैट में राइट आंसर दे दिया है, वेरी गुड। डिस्क डिफ्रेगमेंटर्स क्या है, आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, ठीक है। और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की परिभाषा यदि जाएं तो साधारण शब्दों में समझ सकते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर होते हैं जो कुछ फीचर्स क्या कर दें, ऐड कर दें, ठीक है। डिस्क क्लीनअप, डिस्क डिफ्रेगमेंटर्स, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स के एग्जाम्पल हैं, याद रखिएगा दोनों को ही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, कंप्यूटर की स्क्रीन पर इमेज किसकी मदद से बनती है, ए ऑप्शन बिट, बी ऑप्शन बाइट, सी ऑप्शन पिक्सल, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। 5 सेकंड्स हैं, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। गुड, चैट में राइट आंसर आना भी स्टार्ट हो गया है। जी हां, बिल्कुल जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, आपका होगा पिक्सल। ध्यान क्या रखिएगा, कंप्यूटर की स्क्रीन पर इमेज किसकी मदद से बनती है, पिक्सल की मदद से बनती है, किसकी मदद से बनती है, पिक्सल की मदद से क्या होती है, आपकी इमेज बनती है किस पर, कंप्यूटर की स्क्रीन पर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, कैलसी में एक सीट पर कॉलम की संख्या कितनी होती है, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन 1024, बी ऑप्शन 10,48,576, सी ऑप्शन 1032, डी ऑप्शन 16,384। बताइएगा राइट आंसर क्या होगा, 5 सेकंड्स हैं। गुड, चैट में राइट आंसर आना भी स्टार्ट हो गया है। जी हां, बिल्कुल जो इसका राइट आंसर होगा वो ए होगा, 10 लाख नहीं होगा, ये रोज होती है, ठीक है, 10,48,576 रोज होती हैं, 1024 क्या होते हैं, कॉलम्स होते हैं कैलसी में, दोनों को ही नोट डाउन कर लेना, याद कर लेना, एग्जाम में श्योर है आएगा ही आएगा। कॉलम की संख्या 1024, रोज की संख्या 10,48,576, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, टी एफ टी स्टैंड फॉर, ए ऑप्शन थिन
फिल्म ट्रांजिस्टर्स, बी ऑप्शन थिक फिल्म ट्रांजिस्टर्स, सी ऑप्शन थ्री फिल्म ट्रांजिस्टर, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। 5 सेकंड्स में बताएगा राइट आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। गुड, बिल्कुल, काफी लोगों ने चैट में राइट आंसर दे दिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, TFT स्टैंड फॉर थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में किस मेमोरी में सिर्फ एक बार ही लिख सकते हैं। ए ऑप्शन पी रोम, बी ऑप्शन ईपी रोम, सी ऑप्शन ईईपी रोम, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। 5 सेकंड्स है, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। गुड, चैट में राइट आंसर आना भी स्टार्ट हो गया है और ऐसे क्वेश्चंस भी बहुत बार आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और पूछे जाते रहेंगे, बिल्कुल प्रिपरेशन में जुटे रहिए। और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, फुल फॉर्म भी याद रखना, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। पी रोम में सिर्फ एक बार ही लिख सकते हैं, पी रोम में कितनी बार लिख सकते हैं, एक बार ही लिख सकते हैं, जबकि ईपी रोम में और ईईपी रोम में हम एक से ज्यादा बार लिख सकते हैं, बताइएगा, क्लियर है, याद रखिएगा, ठीक है। ईईपी रोम का क्या होता है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और ईपी रोम का इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इनके फुल फॉर्म्स भी याद रखिएगा, आपके एग्जाम में क्या किए जा चुके हैं, पूछे जा चुके हैं, ठीक है। पी रोम में सिर्फ एक बार लिख सकते हैं, ये पॉइंट भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, बहुत बार बहुत ही पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। UIDAI स्टैंड्स फॉर, ए ऑप्शन यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बी ऑप्शन आपका होगा यूनिवर्सल आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सी ऑप्शन यूनाइटेड आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। 5 सेकंड्स हैं, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है भैया, बहुत बार, बिल्कुल, और प्रिपरेशन में जुट जाइए कस के। बताइएगा, गुड, इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बहुत बार क्वेश्चन ये क्या किया जा चुका है, पूछा जा चुका है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, बताइएगा क्या होगा भाई, जल्दी से पढ़ लेते हैं। कैलसी में करंट सेल का एड्रेस कहां दिखता है, ए ऑप्शन नेम बॉक्स, बी ऑप्शन फॉर्मूला बार, सी ऑप्शन इनपुट लाइन, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। 5 सेकंड्स हैं, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। और कल से क्लास टाइम 8 बजे हो जाएगा, बिल्कुल तैयार रहिएगा, कल से क्लास टाइमिंग क्या रहेगा, रात 8 बजे ऑनलाइन टेस्ट, मार्च के लिए जुट जाना है, ठीक है। और सुबह 8 बजे आपका क्या होगा, ऑनलाइन मॉक टेस्ट होगा करंट अफेयर्स का, ठीक है। रात में CCC 8 बजे और सुबह 8 बजे करंट अफेयर्स होगा, ठीक है, बिल्कुल प्रिपरेशन में जुट जाइए। CCC की तैयारी करनी ही करनी है, कंपटीशन भी करनी है, और आपके रिस्पांस पे डिपेंड करेगा, रिस्पांस अच्छा आता है तो बहुत ही जल्द आपको सारी लाइव क्लासेस, डिजिटल क्लासेस प्रोवाइड कर दी जाएंगी, क्लियर है। तो बिल्कुल जुट जाइए, 2020 में हम लोगों को सफलता हासिल करनी है हर हालत में। और इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा नेम बॉक्स, क्या होगा, ए ऑप्शन राइट होगा, नेम बॉक्स इसका राइट आंसर होगा, जो करंट सेल का एड्रेस होता है वो नेम बॉक्स में दिखाई देता है, क्लियर है, याद रखिएगा। तो ये थे आज के ऑनलाइन टेस्ट के क्वेश्चंस, प्रिपरेशन करते रहिए, कल मिलते हैं रात 8 बजे, टाइम ध्यान रखना, रात 8 बजे CCC ऑनलाइन टेस्ट में प्रिपरेशन करते रहिए, क्लियर है। गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, प्रिपरेशन करते रहिए।